वो पूरी जितनी उनके पास जानकारी है जमीनों की, उनके सिस्टम की, तो उनका स्वागत है। अगर वो कल और परसों में नहीं आते हैं तो उसके पास उनका फैसला कानून करेगा, जनता करेगी। और जो लोग आ रहे हैं यहाँ पीड़ितों के पास, इतना अभी वो पैसा नहीं बचा है कि वो अपना किराया भुगत सके। जिन्होंने दो पैसे कमाए वो पैसे किसी और के नहीं थे, जिनसे 50,000 वसूले 20,000 दिए, 30 50,000 में से 20,000 दिए, 30,000 जो बचे वो टॉप लीडरों के पास है। तो मैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि वो पैसा, वो लोग अभी कानून से लड़ाई लड़ने में, उन क्रिमिनलों के लड़ाई लड़ने में, कानून के साथ देने में, और हमारे साथ जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उसमें साथ देंगे तो हमारे साथ है। और ये कोई दादागिरी नहीं है, एक मैं अपील कर रहा हूँ लोगों से, अगर उनमें थोड़ी बहुत भी शर्म है अपने भाइयों के लिए, उनके पास थोड़ी बहुत दया है, तो साथ आगे खड़े हो जाएं और सूचना दें, हमारा और प्रशासन का साथ दें, हम उनको सरकारी गवाह बनाने के लिए तैयार। रोड शिकर से नोलगढ़ रोड पे जहाँ टर्न करेंगे बाईपास से, नहीं यहाँ से पिपराली चौराहे से बाईपास जाना, बगिया होटल आएगा, चलो 200 मीटर लेफ्ट साइड में एक रास्ता, फर्स्ट रास्ता आएगा, वहाँ पे हम खड़े मिलेंगे, ठीक है। रोड पे और आप लोग थोड़ा परिचय भी दियो। मेरा नाम नरेश काजला है और मैं नेक्सा पीड़ितों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और जिन ठगों ने ये ठगी की है उनसे पीड़ितों के पैसे वापस दिलाने की मुहिम छेड़ रखी है, और वो चाहे मर्जी जितनी कोशिश कर ले, हम लोग सारे के सारे उनकी ठगी से लूटे हुए प्लस उनकी पैतृक संपत्ति भी हम जब्त करवाएंगे। राजेंद्र सिंह जी गुड्डा जी से मिलने आए थे, क्योंकि हमारे को लग रहा है कहीं ना कहीं प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा था, तो कल हम सीएम साहब से मिले थे, सीएम साहब ने आश्वासन दिया था, आज राजेंद्र सिंह जी ने बोला है कि मैं सैनिक कल्याण मंत्री हूँ, और सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते तुम आप सब लोग सिपाही हो, किसी भी बात में आके जैसे भी आप लूट चुके हो तो मैं आपके साथ हूँ, और जहाँ तक होगी जितने हाई लेवल में होगी ये जाँच करवाएंगे हम, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन मेरी लोगों से ये अपील है, जो भी हमारे भाई हैं जिस तरह से लोगों को ऊपर साइड में जोड़ रहे थे, अब मेरी अपील उनसे ये है कि वो नीचे साइड में भी इसी तरह से जोड़े, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि अभी भी पैसे आएंगे। जो लीडर थे वो बोल रहे हैं आपको पैसे मिलेंगे, रुक जाओ, लेकिन कहीं इतनी देर ना हो जाए कि वो पैसे बहुत दूर चले जाएं। अभी भी मैं टाइम दे रहा हूं कि अगर आना है तो 15 तारीख से पहले जो लीडर आ रहे हैं, दो दिन और बचे हैं, हमने पहले भी बोला था 15 तारीख से पहले जो हमारे साथ आ रहे हैं वो हमारे साथ हैं, और 15 तारीख के बाद में जब आ रहे हैं तो उनका फैसला जनता करेगी कि साथ हैं या खिलाफ हैं। इसलिए अब भी मैं यही बोल रहा हूँ, जो आगे वो उनका वेलकम है, और जो नहीं आए हैं आने के लिए दो दिन का टाइम है, और टाइम टू टाइम बोल रहे हो भी तरीके के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑफिस खोल के बैठे थे, जो टॉप लीडर थे, ये नेक्सा पीड़ितों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने लोगों को बरगलाया कि आप यहाँ पैसे दो और मैं जिम्मेदार हूँ, मैं दूंगा, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उनके लिए, जिन्होंने आज महल खड़े कर रखे हैं उनके दम पे। वो पैसे कहाँ से गए थे? पीड़ितों से गए थे, और पीड़ितों का पैसा जोड़ जोड़ के उन्होंने महल बनाया, जिसकी औकात 20 लाख की नहीं थी। कल मैंने वीडियो डाला था अमर चंद ढाका का, उसका घर देखोगे उसमें भेड़ बकरियां रहने लायक घर है, लेकिन अभी 4 मंजिले महल बना रखे हैं, ये उनके लिए। और जो वहां पे काम कर रहे थे, चाहे उनका स्टाफ हो, चाहे वो कुक हो, चाहे ड्राइवर हो, कोई भी हो, अगर वो लोग चाहते हैं कि वो उनके साथ नहीं है और क्रिमिनल नहीं है, तो छुपने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच में है और हमें बताया क्या क्या था। यहाँ बीच में आके वो नहीं बता रहे हैं तो वो सीधे के सीधे क्रिमिनल है, क्रिमिनल का साथ दे रहे हैं, क्रिमिनल है, कहीं ना कहीं क्रिमिनल है। उनके पास हमसे ज्यादा नॉलेज है, उनके पास टेक्नोलॉजी की थी वो भी उनके पास है, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो वो क्रिमिनल है, और वो हमारे साथ आ रहे हैं तो हम उनके साथ हैं, उनको हम सरकारी गवाह बनाने के लिए भी तैयार है। तो जयपुर के लिए हम बुधवार को जयपुर में जो अमर जवान ज्योति स्मारक है वहां पे एकत्रित होंगे, और हम अपना ज्ञापन देंगे विधानसभा सत्र में, हम अपने इन इरादों को मजबूत करेंगे, लोगों का पैसा वापस दिलाने की पूरी मुहिम जो है उसको मुकाम तक पहुंचाएंगे। ये कोई निश्चय नहीं है कितने दिन तक करेंगे, जब तक हमें हमारा रिजल्ट्स नहीं मिलेगा तब तक हम वो धरना बंद नहीं करेंगे। मेरे पास कोई वीटो पावर नहीं है, अभी कर्णीराम जी आए हमारे साथ मिलना चाह रहे हैं, और हमारा साथ देना चाह रहे हैं। मैं अब भी बोल रहा हूँ, जिस आदमी ने दो पैसे कमाए हैं वो केस में सबसे पहले पैसे उसके लगेंगे, देगा वही। ये मैं किसी पावर ऑफ अटॉर्नी से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक पीड़ित हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी भागने के बाद अगर इतना खर्चा कर सकता हूँ अकेला, तो जिसने दो पैसे कमाए हैं मैं उनसे ये अपील है, कोई दादागिरी नहीं है, कि आप आओ और मेंटली, क्योंकि ये लोग जो खड़े हैं वो किराया भुगतने के काबिल भी बचे नहीं है, इसलिए मैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि वो आए और हमारा साथ दें। बोलो या बात,
लेफ्ट साइड।